नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के एलजी को ज्यादा पावर देने वाले बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को आज मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। एलजी को दिल्ली का बॉस बनाने वाले इस विधेयक का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि ये केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए भारत सरकार का और इस संसद का भी यह कर्तव्य बनता है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव मेजर्स में द्वारा इस कानून पर प्रशासनिक अस्पृश्यताओं को हटाया जाए, टेक्निकल और लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एम्बिग्युटीज को हटाया जाए, जो आवश्यकता आएगी वह उचित स्पष्टीकरण किए जाए ताकि दिल्ली और दिल्ली वासियों को एक अच्छे प्रशासन का व्यवस्था मिल सके। इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस सदन में जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल 2021 को लाए हैं। वहीं देश की राजधानी में कोरोना की ताजा लहर का असर देखने को मिल रहा है। रविवार को 823 नए मामलों का पता चला है। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा दर्ज किया गया। नए मामलों में गिरावट देखने के बाद पिछले 15 दिनों के अंदर दिल्ली में कोविड ने फिर जोर पकड़ा है। 15 मार्च से 21 मार्च के बीच कुल 4,288 मामले सामने आए और 15 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में लोगों की लापरवाही देखकर लगता ही नहीं कि उन्हें कोरोना का कोई डर है। बाजारों में खूब भीड़ उमड़ रही है और लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बेसिक बातों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्च में अब तक 8,695 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, यानी 414 केसेस प्रतिदिन। फरवरी में हर हफ्ते डेली 150 केसेस आ रहे थे। पिछले हफ्ते डेली केसेस का औसत 612 रहा है। ये दिखाता है कि दिल्ली में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं विकासपुरी के विकासनगर वार्ड 23S में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अशोक पांडे ने पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र यादव और कार्यकर्ताओं समेत इलाके की जनता को आमंत्रित किया था और कई निगम पार्षद भी होली मिलन समारोह का हिस्सा बने। इस मौके पर वहां इकट्ठा हुए लोगों को अंग वस्त्र पहनाकर अशोक पांडे और आम आदमी पार्टी विधायक ने होली मिलन का प्रोग्राम धूमधाम से किया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। वहीं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से हर हफ्ते उनके क्षेत्र में फ्री हेल्थ चेकअप और स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें आंखों का चेकअप, डायबिटीज, शुगर, बीपी, थायराइड सहित अन्य प्रकार के कई हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में एसडीएमसी की चेयरपर्सन डॉक्टर नंदिनी शर्मा, हेल्थ चेकअप कोऑर्डिनेटर कैंप के संयोजक राजेंद्र गोयल और स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख कमलजीत भी हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंचे। वहीं इस जांच केंद्र में करीब 70% लोगों को डायबिटीज की बीमारी निकली। ये भारत की विशेषता है, यहाँ के चिकित्सक समुदाय की विशेषता है कि वो सेवा के माध्यम से और समाज को स्वस्थ रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं।
समाज में कहीं ना कहीं काम करते हुए और जीवन शैली के बदलावों के कारण से आज स्वास्थ्य की ओर से थोड़ा सा व्यक्ति विचलित हुआ है, ध्यान उसका हटा है। तो इस चेकअप से, डॉक्टर के संकेत से आदमी थोड़ा सचेत हो जाता है और थोड़ा अपना प्रिकॉशन रखता है। भगवान ने जो ये शरीर दिया है, हम मान के चलते हैं लगभग 100 वर्ष के लिए दिया है, तो बहुत काम व्यक्ति कर सकता है। और ये जो रिटायरमेंट वाली कल्पना है, ये भी जो है अंग्रेज की दी हुई कल्पना है, ऐसी हमारे यहाँ कोई मान्यता नहीं रही है। आज सुबह से यहाँ पे सैंपलिंग ली जा रही है और ये एक प्री डायबिटिक स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ में फैट एंड मसल्स रेशियो एक स्टडी है, उसको हम देख रहे हैं। और बड़ी चौंकाने वाले फिगर्स जो अभी मेरे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रही थी कि जितने सैंपल लिए उसमें से 80% लोग यहाँ पर प्री डायबिटिक निकले। तो इट शोज कि एफ्लुएंट सोसाइटी के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके अंदर प्री डायबिटिक कंडीशन ज़्यादा मौजूद है, जो बहुत ही हम लोग जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती, परंतु उसको आज हम इन डाटा के साथ आज हम अभिवाक्त कर सकते हैं कि हाँ, ये जो हम लोग मानते हैं ये सही है, ये एक सही थीसिस है। वहीं विश्व जल संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में लाजपत नगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के चलते जिलाधिकारी विश्वेंद्र ने कार्यालय में पौधारोपण किया, इसके साथ ही उन्होंने जनता को पानी बचाने का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि आज पूरे देश भर में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है और पानी का स्तर भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए मेरी जनता से ये अपील है कि वो अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे प्रकृति में परिवर्तन हो और जल की आपूर्ति हो, क्योंकि ज़्यादा पौधे लगाने से पानी की समस्या भी काफ़ी कम हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।